हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन अखनी पुलाव रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुकर के अंदर पानी ले लिया है, जितना भी आपको अखनी बनाना हो। और यहाँ पे मैंने एक अदरक का टुकड़ा, दो तीन हरी मिर्ची, एक प्याज और दो लहसुन के टुकड़े लिए हैं, मतलब अक्खा लहसुन ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें कुकर के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर मैंने गर्म मसाला ले लिया है, जैसे कि है ना, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच धनिया और ज़ीरा और सारे खड़े मसाले, तेज़पत्ते के दो पत्ते डाले हैं। और इसके अंदर हमें डालना है नमक। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब इसको हम बंद कर देंगे, दो से तीन सीटी लेंगे क्योंकि इसके अंदर गोश्त तो है नहीं, तो बस प्याज गलाने के लिए। अब इस तरफ हम मसाला रेडी कर लेते हैं जो पुलाव के अंदर हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है अच्छे से धोकर, और लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्सर में पीस लेना है। और यहाँ पे मैंने चार टमाटर, दो आलू और तीन प्याज को लंबाई में कट कर लिया है। अब इसको साइड में रख लेंगे। इस तरफ अखनी हो चुकी है, देखिए सीटी आ चुकी है, तो इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है और उसको साइड में रखेंगे। यहाँ पर हम मैंने रख दिया जिसमें हमें पुलाव बनाना है, वो पतीली को गरम होने देंगे। उसके अंदर हमें तेल ऐड करना है। तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमें वही गरम मसाला ऐड करना है जो गरम मसाला हमने अखनी में ऐड किया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसके अंदर हमें डाल देना है प्याज। प्याज को हमें फ्राई करना है, हल्का फ्राई करके फिर उसके अंदर हमें ऐड करना है आलू, ताकि आलू भी साथ में फ्राई हो जाए। तो दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो चलिए आलू ऐड कर देते हैं। अब देखिए प्याज हो गया तो मैंने आलू ऐड कर दिया। आलू चाहे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। फिर इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो देखिए हो चुका है। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से धो लेना, फिर उसके अंदर हमें उसको भूनना है, यानी जैसे कलर चेंज होने लगे तब तक हमें उसको भूनना है। तो देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हमें वही हरा मसाला ऐड करना है जो हमने पीस लिया था। तो ऐड करने के बाद उसको भी अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे हम, जो कट करके रखा था। अब टमाटर को भी डाल देंगे। फिर इसके अंदर हमें ऐड करना है, इसको चलाएंगे अच्छे से, एक से दो मिनट के लिए भूनेंगे। फिर हमें इसमें और नमक ऐड करना है। नमक और मिर्ची टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। फिर इसको आप फिर से भूनना है। मसाला हम जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा पुलाव बन के तैयार होगा। तो अच्छे से खूब भूनेंगे उसको। तो देखिए पानी छूटा है, जैसे कि टमाटर का है, चिकन विकन का जो भी पानी हो हमें सुखाना है। अब हमें ना पानी थोड़ा सूख चुका है तो दही ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे एक ही कप दही लिया है क्योंकि मैंने इसके अंदर टमाटर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया था। अब इसको खूब अच्छे से भूनने छोड़ेंगे। इस तरफ देखिए तो यखनी तैयार हो चुकी है, कुकर खोल लिया है मैंने। तो इसको हमें फेंकना नहीं है, प्याज और लहसुन को निकाल लेना है अच्छे से, और ये मसाले में डाल के इसको भी भूनेंगे क्योंकि है ना इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में, तो हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। तो आप गरम मसाला निकाल सकते हैं। यहाँ पे चावल को मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा था। चावल आप कोई भी ले सकते हैं। और इसको भी हमें इसके अंदर ऐड कर देना है, जब ये अच्छे से भून जाएगा मसाला तब। तो सारे चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद अपनी जितना चाहिए हमें उतना चाहिए, तो आप छन्नी से भी छान सकते हो, उसमें मसाला वगैरह जो आ जाते हैं। तो मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो पानी चावल मैंने ज़्यादा देर तक भिगो के रखी थी, तो मुझे कम ही पानी डालना है। अखनी थोड़ा सा मैंने बचा ली, बाद में डालूँगी अगर लगा तो। यहाँ पे ढक देते हैं, पकने छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बीच बीच में देखना है क्या जल ना जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है नीचे से लग भी जाता है। तो देखिए पानी आधा सूख चुका है, अब हमें इसको दम पर रखना है। तो चलिए इसको 10 मिनट के लिए दम देते हैं। तो हो चुका है, देखिए इसके ऊपर हमें ऐड करना है एक प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई किया था वो डाल दिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते छिड़क दिया है। तो देखिए पुलाव बनके तैयार है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी और बहुत कम सामान में बनके तैयार होता है ये पुलाव। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।